बड़ी अनाज मंडी चिमनगंज मंडी में मुहूर्त के सौदे हुए। इस दौरान पीले सोना कहे जाने वाली सोयाबीन आज सबसे ऊंचे दामों पर नजर आई, यानी 7,551 रुपए बिका है। वहीं दूसरी ओर चना 10,500 रुपए बिका है। मंडी खुलने के पहले ही किसान बड़ी संख्या में अपनी फसल लेकर पहुंचे और मुहूर्त सौदे में शामिल होकर अपनी फसल की नीलामी की। सौदे के पूर्व प्रांगण में स्थित गणेश मंदिर में मंडी व्यापारियों सहित मुख्य अतिथि शांति स्वरूपानंद महाराज द्वारा महाआरती करी गई, जिसके बाद मुहूर्त के सौदे हुए, जिसमें भाजपा के पूर्व सांसद सहित विधायक पारस जैन, कांग्रेस पार्टी विधायक रामलाल मालवी सहित मंडी व्यापारी संघ अध्यक्ष आदि शामिल हुए। जो उत्साह व्यापारियों में देखा है, वास्तविक में वो उत्साह बहुत ही अच्छा था। और गणपति बाबा की आरती के बाद जब हम मुहूर्त पे गए तो डालर चना जो बिका है वो 10,551 रुपये के भाव में डालर चना बिका है, 10,451 के करीब डालर चना बिका है। मेरे ख्याल से ये इंदौर से भी ज़्यादा भाव है। इंदौर की मंडी से हमेशा उज्जैन की मंडी के भाव हमेशा ज़्यादा रहते हैं और यहाँ के व्यापारी भी और किसान भाई भी माल खूब लाते हैं और टैक्स के रूप में भी मंडी टैक्स में 25,000 करोड़ रुपए साल मंडी टैक्स यहाँ का आता है। इसी प्रकार गेहूँ के भी रिकॉर्ड तोड़ भाव आए हैं।